प्रोफेसर रामानंद यादव, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव में आपका स्वागत है। आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लिक्विड क्रिस्टल में, आज पढ़ाएंगे हम नेमेटिक द्रव क्रिस्टल, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। इस संबंध में हम आपको आज बताएंगे नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। नेमेटिक एक यूनानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रिल या धागा जैसा, धागा के सदृश। इस यूनानी शब्द का अर्थ है धागा के थ्रेड लाइन। एक्स किरण अध्ययन से पाया गया कि अणुओं की व्यवस्था समांतर शैली में होती है, यानी कि इसमें भी अणु समानांतर शैली में होते हैं, समानांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन मतलब परंतु इसमें कोई परतनुमा व्यवस्था नहीं बनती। जैसे कि आपने स्मेटिक में पढ़ते हैं वहां परतनुमा व्यवस्था बनती है, लेकिन यहां अणु होते तो समांतर क्रम में, लेकिन परतनुमा संरचना नहीं बनाते हैं। यही अंतर है स्मेटिक और नेमेटिक में, व्यवस्था नहीं बनती और अणुओं की व्यवस्था भी नियमित नहीं होती, अर्थात इसमें अणु अनियमित होते। स्मेटिक में तो अणु नियमित होते हैं, लेकिन यहां जो नियमित व्यवस्था नहीं होती। इन लिक्विड क्रिस्टलों में अणुओं की गति करने की स्वतंत्रता स्मेटिक से अधिक होती है। देखिए स्मेटिक तो हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, उस स्मेटिक में तो जो अणु होते हैं वो समांतर क्रम में होते हैं और परत जैसी व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हैं और अणुओं की एक नियमित व्यवस्था होती, लेकिन यहां जो अणु होते हैं समांतर क्रम में तो होते हैं लेकिन परत जैसी संरचना नहीं बनाते और ना ही अणुओं की नियमित व्यवस्था होती। जैसा आप चित्र देखेंगे, अब आता है गुण प्रॉपर्टीज। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल के कौन कौन से गुण होते हैं। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टलों का प्रवाह सामान्य द्रवों के समान ही होता है। जैसे सामान्य द्रवों का प्रवाह होता है बहते हैं, उसी प्रकार से नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टलों का प्रवाह होता है। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। नंबर दो, इन लिक्विड क्रिस्टलों में न्यूटनी प्रवाह पाया जाता है, दूसरा गुण। तीसरा, इन लिक्विड क्रिस्टलों में श्यानता की सामान्य अवधारणा लागू होती है। श्यानता की सामान्य अवधारणा जिस प्रकार से सामान्य लिक्विडों में होती है उसी प्रकार से इसमें भी श्यानता होती है, लेकिन स्मेटिक में सामान्य धारणा लागू, श्यानता की सामान्य धारणा लागू किसमें नहीं होती, स्मेटिक में, उस वीडियो में जो हमने पढ़ाया था, लेकिन नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टलों में श्यानता की सामान्य अवधारणा जनरल कंसेप्ट लागू होती है। नंबर चार, सामान्य क्रिस्टलों की भांति नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी एक्स रे विवर्तन पैटर्न बनाते हैं, एक्सरे विवर्तन पैटर्न बनाते हैं। सामान्य जनरल क्रिस्टल होते हैं उनकी तरह ही नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल एक्स किरण पैटर्न बनाते हैं, एक्स किरण विवर्तन का पैटर्न बनाते हैं। नंबर पांच, इन लिक्विड क्रिस्टलों में एनाइसोट्रोपी, आप समझ गए ना, पिछले हमने स्मेटिक पढ़ाया था वहां भी एनाइसोट्रोपी बात शब्द आया था, तो यहां एनाइसोट्रोपी मतलब विषम दैशिकता का गुण होता है। नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टलों में भी एनाइसोट्रोपी प्रॉपर्टी होती है, परंतु यह गुण प्रॉपर्टी स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टलों की तुलना में कम होते हैं।
मतलब स्टोमेटिक ज्यादा एनाइसोट्रोपिक गुण दर्शाते हैं और नेमेटिक कम आइसोट्रोपिक गुण दर्शाते हैं। नंबर पांच, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल की भांति प्रकाश का तिरकरण नहीं करते। हमने स्मेटिक में बताया था, स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल तो प्रकाश का तिरकरण करते हैं, स्केटरिंग करते हैं, लेकिन नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल प्रकाश का तिरकरण नहीं करते हैं। अगला नंबर सात, ध्रुवित प्रकाश में ये गतिशील पहले पतले धागों के समान दिखाई देते हैं, पतले धागों के समान ये दिखाई देते हैं। जब जब ध्रुवित प्रकाश में जब इनको देखते हैं तो ये गतिशील पतले धागों के समान दिखाई देते हैं। इसका अर्थ यही होता है यूनानी शब्द में नेमेटिक का मतलब सुतिल धागे जैसा, तो ये धागों के रूप में पतले धागों के रूप में दिखाई देते हैं। लास्ट, स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टलों के समान ही ये लिक्विड क्रिस्टल भी एक अक्षीय होते हैं। जैसे हमने स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल बताया तो वो भी अक्षीय होते हैं और ये भी नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल भी अक्षीय होते हैं, परंतु चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रबलता से प्रभावित होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से प्रभावित होते हैं, लेकिन स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते, लेकिन नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से प्रभावित होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है जिनको आपको ध्यान में रखना है और ये इससे पहचाने जा सकते हैं कि नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल कौन से हैं और स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल कौन से होते हैं। इसके हम आपको उदाहरण और बता देते हैं। उदाहरण देखिए, पैरामेथॉक्सी सिनामिक अम्ल एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण पैरा एजॉक्सी फेनेटॉल और तीसरा उदाहरण पैरा एजॉक्सी एनिसोल। ऐसे कई पदार्थ है जो नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल की भांति व्यवहार करते हैं, ये नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में परिवर्तित हो सकते हैं। पैरा मेथॉक्सी एनामिक अम्ल, पैरा एजॉक्सी फेनेटॉल और पैरा एजॉक्सी एनिसोल, ये कुछ उदाहरण है। उदाहरण तो बहुत है लेकिन यहां ज्यादा उदाहरण की आवश्यकता नहीं है, तीन उदाहरण हम आपको दिए हैं। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर बात है नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है। आपने देखा पिछले वीडियो में हमने स्मेटिक पढ़ाया था, आज हम इस वीडियो में नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया और समझ में भी आप आ गया होगा। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, आप मेरी बुक्स मोना प्रकाशन की खरीद सकते हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में है और पूरी बीएससी के लिए उपयोगी है। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद रामानंद यादव, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।